आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज मैंने एक ऐसे टॉपिक को चुना है, यानी जो लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मंजिल आसान हो सके। तो मानी सी बात है कि जब हम कोई एक बड़ा टारगेट लेकर के चलते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस की अपनी एक भूमिका होती है। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें अपने ज्ञान के सहारे आगे बढ़ना होता है, लेकिन अगर हमें कहीं से मदद मिल जाए, हमें कोई ऐसा अनुभव मिल जाए जिसके ज़रिए हम जो काम कर रहे हैं उसमें आसानी पैदा हो जाए, तो इससे फिर क्या होता है कि हम जो मंजिल होती है उस पर आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। तो इसलिए अनुभव की बहुत बड़ी भूमिका होती है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी मोड़ आ जाता है। यानी अगर हम अपना जहन हमने खोल करके रखा हुआ है तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी भी टर्निंग पॉइंट आता है, यानी कोई ऐसा विचार हमको मिल सकता है जिससे हमारे जीवन की दिशा जो है बदल सकती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को, जैसे कि ये वीडियो आपके सामने जब अगर आप उसको देखेंगे तो इसमें जो भी मैं मदद के तौर पर जो भी मुझे अनुभव है उसे मैं क्योंकि आपके सामने पेश करूँगा, तो अगर आप उस पर गंभीरता से सोचेंगे, विचार करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो एक्सपीरियंस है मेरा ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए, मददगार हो जाए। तो आइए देखते हैं। तो कुछ बिंदु मैंने तय किए हुए हैं, उसी आधार पर आपके सामने जो है विचार रखा जाएगा तो चीज़ें जो हैं आसान हो जाएंगी। सीधी सी बात है कि हम एक बड़ी मंजिल हमने अगर चुनी, हम भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि पद जो है बड़ा है। हालांकि UPSC के तहत जो भी भर्ती की जाती है उसमें बहुत सारे पद होते हैं, IPS का भी पद होता है जो कि एक बड़ा पद होता है। तो ऐसे में हमारा जो भी टारगेट हो, हम जो भी बनना चाहते हों, लेकिन हमें UPSC की जो परीक्षा है उसको तो पास ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो लोग तैयारी कर रहे हैं IAS की, तो मानी सी बात है कि उनकी मंजिल जो है वो आसान नहीं है, मुश्किल है। तो ऐसे में दबाव भी आएगा, तरह तरह के प्रेशर हमारे सामने आएंगे, उसका भी सामना करना पड़ेगा। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसे आपके सामने पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले जब हम तैयारी करें तो हमें समाज को जो है वो अपने केंद्र में रखना चाहिए। यानी ऐसा हो सकता है कि हम अपने फेम के लिए कुछ लोग तैयारी करते हैं कि हमें समाज में प्रसिद्धि मिले, उनको जाना जाए, व्यक्तित्व के अंदर एक बात होती, भावना होती है, तो वो सारी चीज़ें सही हैं। हम समाज में जी रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, और कोई बुराई भी इसमें नहीं है कि अगर हमें इस बात का शौक़ हो कि हम सोसाइटी में हमें लोग जाने, हम वर्क करें, हमें जाना जाए, इस तरह की भावना कोई बुरी नहीं है, लेकिन समाज को साथ में लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि हमें फाइनली समाज के अंदर रह करके ही प्रशासनिक सेवा जो भी हमें पद मिलेगा, तो जो भी हम सेवा देंगे तो मानी सी बात है कि समाज में रह करके देंगे ना। समाज के ज़रिए ही हमारा उत्थान हुआ है, हम बचपन से लेकर के सोसाइटी के तहत ही आगे बढ़े हैं। तो ऐसे में जब हम किसी पद पे आ जाते हैं तो समाज के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं लोग समाज के अंदर रहते हैं जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बेसहारा सड़कों पर पड़ी हुई हैं, वहाँ तक तो कोई अधिकारी पहुँच नहीं पाता है, जैसे तैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है। तो जब हमने एक व्यवस्था बना रखी हुई है देश के तौर पर, और एक राज्य की सत्ता है, फिर केंद्र की सत्ता है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, राज्य के पास संसाधन भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम जब पद पर पहुंच जाते हैं, बहुत सारे लोग पद पर पहुंचते हैं, तो अगर उनके अंदर गंभीरता होगी तो फिर वो अपने ज़िले के अंदर जब वो DM के तौर पर तैनात हैं या कोई भी महत्वपूर्ण पद उनको मिला हुआ है तो अपने क्षेत्र का वो दौरा करेंगे, उसमें उनको शौक होगा कि हम समाज के तहत ही हमारा उत्थान हुआ है, समाज ने हमारी हेल्प की है, तो जो कमज़ोर लोग हैं उनको हम कम से कम एक मौका तो मिले कि हम ऑफिस में बैठ के ही सारा वर्क कर रहे हैं, कम से कम अपने ज़िले को देखें। तो हम कभी भी ऐसा मौका निकाल सकते हैं भाई, अगर वक्त नहीं मिल पा रहा है तो हफ्ते में एक दिन ही हो सकता है, 15 दिन में एक दिन हो सकता है, 10 दिन में हम निकाल सकते हैं, कभी वक्त निकाल सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से अनुपस्थित हैं। हम ज़िले के अंदर तैनात तो हैं लेकिन हम कोई भ्रमण ही नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें सोच लेना चाहिए कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें समाज को केंद्र में रख करके, और फिर अपने व्यक्तित्व में जो भी हमारी इच्छा हो, हमने जो भी अपने विकल्प के तौर पर चुना हो कि भाई हम एक अच्छे पद पर पहुंचे, लोग सोसाइटी में इंसान का एक स्टेटस होता है, तो इस स्टेटस को पाने के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम
समाज को जब साथ में लेकर चलेंगे तैयारी के दौरान, तो कहीं भी हमें ऊपर कई दबाव आता है, किसी भी तरह की कमजोरी आती है, तो ये समाज की भलाई का जो विचार है, इसमें जो ऐसे लोग हैं जो कि वंचित हैं, जब उनका ख्याल आएगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो इसलिए तैयारी करते समय समाज को अपने केंद्र में रख करके ही तैयारी करनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी बात आती है कि हम अगर ईमानदार नहीं होंगे, हम मान लीजिए बन भी गए, तो हमारा जो कुछ भी लक्ष्य होगा वो सब फेल कर जाएगा, क्योंकि हम अगर पैसा कमाने में ही लग गए, ईमानदारी हमारे अंदर उतनी नहीं है, तो फिर हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां पर ईमानदारी नहीं होगी वहां इंसाफ भी नहीं होगा, और होगा भी तो आधा अधूरा होगा, अपनी इच्छा के हिसाब से होगा। हम अपने विकल्पों के आधार पर फिर हमारी ज़िंदगी चलेगी कि जहां हमें मौका मिल रहा है, हम अपना रास्ता भी बना ले रहे हैं, पैसा भी आ जा रहा है, और फिर जहाँ हमको जो काम करना है वो काम हम ईमानदारी का भी काम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। जबकि लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ हमारी जो चलती है, अगर हम एक सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें फिर क्या होगा कि हम गलत रास्ते पर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें संविधान के हिसाब से भी और नैतिकता का पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। और ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं हम समझौता कर रहे हैं, उन आदर्शों से समझौता कर रहे हैं, और फिर उसकी सज़ा हमको कहीं ना कहीं मिलेगी, मानी सी बात है, क्योंकि जीवन सीमित नहीं है। अगर हमको हम अगर विश्वास करते हैं कि एक सत्ता ऐसी जिसने संसार में हमको पैदा किया है, तो वही हमारा हिसाब भी ले लेगी ना। तो इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि ईमानदारी के साथ जो है हमें क्या करना है, प्रशासनिक सेवा जो भी, अगर हम जो भी पद मिलता है तो उसमें जो भी हमारी सेवा होगी, तो ईमानदारी के साथ समझौता नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने इसके साथ समझौता कर लिया तो फिर कहीं ना कहीं हमने अपने व्यक्तित्व को, अपने ज्ञान को, जो भी हमने अर्जित किया है उसका हमने सौदा कर लिया, जो सही नहीं है। तो इसलिए अपने आंतरिक संतुष्टि के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी निगाहों में न गिरें, तो ये ज़रूरी है कि हम ईमानदारी को साथ में लेकर चलें। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हमारी सेवा समाप्त होगी तो हमें एक संतुष्टि मिलेगी कि हमने समाज की सेवा जो भी जिस स्तर पर भी हो सका है वैसे करने की कोशिश की है, जो भी इंसान के पास क्षमता होती है। इसलिए ईमानदारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फिर हमें हमारा जो आंतरिक विवेक है वो मर जाएगा। तो इसलिए इसको ज़रूरी है, इसको ज़िंदा रखा जाए, और ईमानदारी जो है हमारे अंतःकरण को वो ज़िंदा रखने का काम करेगी, तो इससे एक भारी भरकम, एक संतोषपूर्ण जो है व्यक्तित्व हमारा वो निर्मित होगा। तो इसलिए ज़रूरी है। दूसरी बात है, भ्रमण करना चाहिए। हम अगर जिलाधिकारी के तौर पे तैनात हैं तो हमें अपने क्षेत्र का दौरा भी करना चाहिए। इससे हमें एक पता चलता है ना कि हाँ हमारे ज़िले के अंदर कहाँ क्या चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम वहीं उसका निस्तारण कर सकते हैं। कहीं सड़कें ख़राब हैं तो जब हम दौरा करेंगे तब हमें अपने ज़िले की दशा पता चलेगी। तो हम अगर इतनी महत्वपूर्ण तैयारी कर रहे हैं तो इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भ्रमण करते रहना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है, अब आते हम तो ये तो हो गया, हमने इस चीज़ पर डिस्कशन कर लिया कि समाज को लेकर चले, ईमानदारी को लेकर चले, और भ्रमण करें हम, यानी सिर्फ ऑफिस में बैठ के ही कलम ही ना घिसते रहें। तो देखिए, अब देखिए मूल्यांकन की बात आती है। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो मानी सी बात है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे अंदर मूल्यांकन करने की क्षमता हो। जैसे हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो हिंदू पढ़ रहे हैं, या कोई भी हिंदी का ही जो, अगर हमारा माध्यम अगर हिंदी है और हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो जो एडिटोरियल आ रहा है, संपादकीय आ रहा है, तो हमें पहले पूरे पेपर का एक सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए कि हाँ हमारे काम की कौन कौन सी सूचनाएँ हैं उसमें, उसको टिक कर लेना चाहिए। उसके बाद एक लिस्ट उसकी बना ले, और फिर उसके बाद क्या है कि फिर मूल्यांकन करें। जो हम मूल्यांकन कर लेंगे तो हमको पता लगेगा कि न्यूज़पेपर में आज जो है वो 5 सूचनाएं ऐसी हैं जो मेरे काम की हैं, उस पर जो है अपना एक उस पर वर्क करना है। तो हमने जब उसको सेलेक्ट कर लिया, देख लिया कि हाँ ये चीज़ सही है, हमारे काम की है, तो अब हमें क्या करना है कि उसके स्वरूप को, मानी बात है कि जब हम मूल्यांकन कर लेंगे तो कोई चीज़, एक कोई टास्क हमारे सामने आएगा ना। जैसे मान लीजिए कि एडिटोरियल है, संपादकीय है, हमने देख लिया कि यहाँ से संपादकीय शुरू हुआ, जो भी बात लिखी गई यहाँ पे समाप्त हो गई, ही बातें यहाँ पर सारी बातें हैं, इन्फॉर्मेशन है। अब इसका हमें स्वरूप बदलना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ स्वरूप लिखा हुआ है, क्योंकि स्वरूप में क्या है कि हमने अब देखा, इसके आधार पर हमने ऐसे ऐसे करके अपना नोट्स बना लिया, इसमें जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं इस आधार पर हमने नोट्स बना लिया, तो ये तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है, इस तरीके पर हमें नहीं चलना है। तरीका इसलिए नहीं चलना है क्योंकि IAS में सिलेक्शन लेने के लिए हमें मुख्य परीक्षा देना है ना, मुख्य परीक्षा में हमें प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो हम इस रास्ते पे, ऐसे रास्ते पे चले जिससे कि हमें मंजिल जो है वो आसानी से मिल जाए। होता ये है कि जब हम प्रतिदिन रोज़, क्योंकि न्यूज़पेपर में सूचनाएं आती रहती हैं या हम मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जो भी सूचना है उसका स्वरूप बदल देना है, यानी उसको प्रश्नोत्तर के, यानी जिस तरह से हम आंसर लिखते हैं उस हिसाब से इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हुए इसके स्वरूप को बदल करके अपने नोट्स के फॉर्म में लाना, यानी आंसर जैसे हम लिखते हैं UPSC में, उस फॉर्म के अंदर इसकी सूचना को अपने हिसाब से इसका स्वरूप बदलना होगा। और इस काम करने में हम मोबाइल से मदद ले सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं कि हम हाथ से ही लिखें, हम मोबाइल से ही गूगल का प्रयोग करते हुए वॉइस के ज़रिए जो है
वो एक जो हमने पढ़ लिया कि हाँ इसमें इतनी बातें हैं, तो इसका हमारे अंदर ये एक स्वरूप तय होना चाहिए कि कहाँ से हमको शुरुआत करनी है। ये तो अब हमारी अपनी क्रिएटिविटी का मामला है ये कि हम कैसे जो है यूपीएससी का आंसर सोचें और उसके बाद अपना एक नोट्स जो है वो तैयार कर लें बोल करके मोबाइल्स के जरिए ही, और उसके चाहे तो हम प्रिंट आउट भी उसका निकाल सकते हैं या अपने मोबाइल में ही सेव रखें। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम इसका स्वरूप बदलने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी और हम फिर इसमें वर्क करेंगे और फिर एक आंसर तैयार करेंगे, उस आंसर के आधार पर हम प्रश्न तैयार करें, हमें सवाल भी तैयार करना पड़ेगा कि इस एडिटोरियल में इसका स्वरूप ऐसा था और हमने बदल कर अपने हिसाब से एक सही क्रमबद्ध रूप में इसका जो है वो एक अपना नोट्स तैयार कर लिया, एक आंसर तैयार कर लिया, और फिर उस पर हमें जो है प्रश्न बनाने होंगे, सवाल बनाना होगा। तो जब ये चीज़ हमारे प्रतिदिन के स्वभाव में आ जाएगी तो फिर हमारे लिए मेंस का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल नहीं होगा। जब हम कोई भी टेस्ट देंगे, टेस्ट सीरीज़ में शामिल होंगे मेंस के लिए, तो फिर क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि पेपर के अंदर जो लगातार सूचनाएं आती चली जाती हैं, लेकिन क्योंकि हम इस ढंग से काम नहीं करते हैं, हम इस पद्धति पे ज़्यादातर चलते हैं कि जो महत्वपूर्ण बातें लगी हमें, हमने टाइटल लिखा, उसका शीर्षक लिखा, महत्वपूर्ण बातें जो बिंदु हैं, तथ्य हैं, उसको नोट करके हमने अपना नोट्स तैयार कर लिया, हमको लगा कि हाँ इसमें ये चीज़ें थी, तो हमने कम से कम एक कंसाइज वे में इसका संक्षिप्त सार जो है इस तरीके से तैयार कर लिया है। ये तरीका जो है वो जो है ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका यह कि किसी भी चीज़ को देख करके उसका स्वरूप तय करके उसका एक क्रमबद्ध जो है वो आंसर के साथ जैसे आंसर दिया जाता है उस तौर पे जब हम अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। अब ये हमारी अपनी क्रिएटिविटी की बात है कि हम कैसे कर लेते हैं, लेकिन इस रास्ते पर जब हम चलेंगे तो फिर इससे क्या होगा कि हम प्रश्न भी बना लेंगे ना, तो हमारी जो क्रिएटिविटी है इसमें रोज़ डेवलप होगी, हम लगातार रचनात्मक होते चले जाएंगे और फिर ये ही चीज़ जा करके हमें कॉन्फिडेंस देने का काम करेगी। और अगर हमने सही काम नहीं किया होता, यह कि काम करने का ढंग हमारा अगर सही नहीं होता है तो फिर नतीजा भी उसी हिसाब से आता है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं तो वही रास्ता हमें मंजिल की तरफ ले जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम कोई भी जो भी सूचनाएं होती हैं, खास करके संपादकीय, क्योंकि बड़ा होता है, जैसे हम द हिंदू पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एक बड़ा आर्टिकल होता है, तो उसका पूरा एक हम पढ़ करके एक सार समझें कि हाँ भाई ये बात क्या कही गई है, उसके आधार पर फिर हम अपना एक आंसर तैयार करें उसमें से। मतलब जिस तरह से होता है कि हमें क्रमबद्ध रूप से अपने आधार पर उसका स्वरूप बदलते हुए अपना एक नोट्स तैयार करना है आंसर की तरीके से, जैसे हम लिखते हैं क्रमबद्ध रूप में पढ़ने, अगर उस आर्टिकल जो हमने तैयार किया है नोट्स उसको अगर कोई पढ़े तो लगे कि हाँ एकदम प्रवाह क्रमिक रूप में जैसे कोई कहानी लिखी जा रही है अच्छी, उस हिसाब से वो होना चाहिए। और शब्दों की सीमा का भी ध्यान रखें और फिर उस पर प्रश्न बनाने की कोशिश करें, तो इससे क्या होगा कि क्रिएटिव हम वर्क कर रहे हैं ना, हम सवाल बना रहे हैं, ये भी एक क्रिएटिव वर्क है। तो प्रशासनिक सेवा में भी तो हमको क्रिएटिव ही तो होना पड़ता है, प्रबंधन हमें अगर करना है तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव ही हैं हम, तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम रोज़ ऐसा काम करेंगे तो फिर क्रिएटिविटी हमारे अंदर डेवलप होगी, तो उससे क्या होगा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। सबसे बड़ी बात यही होती है ना कहीं इंसान के अंदर डर बना रहता है, जो टेस्ट देते हैं लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करते हैं तो समय कम रहता है, जब प्रीलिम्स हो जाता है तो ज्वाइन करने की कोशिश की जाती है तो समय कम रहता है, कहीं ना कहीं डर बना रहता है, लेकिन जब हम इस प्रोसेस से चलेंगे तो फिर क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा और काफ़ी कुछ मैटर तो हमारा इसी से तैयार हो जाएगा। पेपर में तो बहुत सारी सूचनाएं आती रहती है ना, सिर्फ संपादकीय की तो बात है नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में अगर हमारा माध्यम इंग्लिश है तो उसमें तो बहुत ही उपयोगी सूचनाएं आती रहती हैं, और अगर हिंदी माध्यम है तो फिर हम दूसरे अपने हिंदी के पेपर में भी सूचनाएं आती रहती हैं, उसका आधार पर हम तैयार करेंगे। तो ये है कि क्रिएटिव वर्क है, इसलिए स्वरूप यहाँ पर रखा हुआ है, मूल्यांकन करें उसके बाद स्वरूप, यानी उसके स्वरूप को बदलना होगा, क्योंकि जिस फॉर्म में लिखा हुआ अगर हमने तथ्यात्मक ढंग से ऐसे नोट्स बना लिया तो फिर होगा ये कि हमें फिर वहाँ पे आंसर देना पड़ेगा, तो या तो हम टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करेंगे तो उसमें कितनी एबिलिटी जो है हमारी डेवलप हो पाएगी कम समय में, अब ये देखने वाली बात है। तो लेकिन जब हम प्रतिदिन ऐसा करेंगे, रोज़ हमारी हैबिट में ये चीज़ शामिल हो चुकी है कि हम उसी दिन उसी वक्त जो है थोड़ी ही देर के अंदर उसका स्वरूप बदल के अपना नोट्स तैयार कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, तो ऐसे में हम जब वर्क करेंगे तो हमारे लिए इस टास्क को पूरा करना मतलब आसान होगा ये मंजिल, क्योंकि हम तो वैसे ही क्रिएटिव हो चुके हैं, किसी भी चीज़ को देख करके उसका स्वरूप बदल देते हैं और उसको एक आंसर के फॉर्म में ले आकर रख देते हैं और फिर उस पर सवाल भी बना लेते हैं दो तीन। तो इससे जब हम वर्क करेंगे इस तरीके से हमारे अंदर धीरे धीरे सवाल बनाने की क्षमता भी डेवलप होगी, और फिर ऐसा भी वक्त आ सकता है कि हमारा बनाया हुआ सवाल ही यूपीएससी के द्वारा पूछा जाए।
तो इस तरह से वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए हम मूल्यांकन करें, पेपर को देखें, उसमें गंभीरता से लगना होगा, क्योंकि अगर हम उसमें जो सूचनाएं आती है, बड़े बड़े विद्वान उसमें आर्टिकल लिखते हैं, मानी बात है एडिटोरियल लिखा जाएगा, तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ जो लोग हैं वही लिखते हैं। तो जिस तरह का भी हो तो मूल्यांकन कर लें कि हमारे काम का है कि नहीं है। अगर हमारे काम की चीज़ें हैं तो ये मूल्यांकन हर वक्त अपने साथ रखना होगा, मैगजीन में भी। ऐसा ना हो कि हम उन चीज़ों पर वर्क करने लगे जो कि पूछी नहीं जाएंगी। तो हमें कहीं ना कहीं तो मूल्यांकन करना पड़ेगा ना चीज़ों का, क्योंकि सब कुछ हम लेके नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने साथ मूल्यांकन को लेके चलें, यानी किसी भी चीज़ को देखें तो बस हमें पता लगना चाहिए कि हमारे टारगेट में, क्योंकि हमने सिलेबस तो देखा हुआ है ना, तो वो हमारे काम की वो चीज़ है कि नहीं, पूछी जा सकती कि नहीं जा सकती, फिर उस पर वर्क करें और फिर अपना उसका स्वरूप बदल करके अपना नोट्स बना लें अच्छा से, एक आंसर के साथ, एक क्रमबद्धता के साथ जैसे लिखा जाता है। तो उसमें क्या होगा, ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने उसी आधार पर उसको लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम कोई काम जब अच्छे अंदाज से पूरा करते हैं तो उसी के हिसाब से हमारा जब मन में संस्कार जाता है तो हमें मजबूती देता है, उसी अनुपात में हमें कॉन्फिडेंस आता चला जाता है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, अनुभूति से आता है। हम जो काम कर रहे हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारा काम अच्छा हो रहा है, तो वैसे ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जहाँ कहीं हमें कमी महसूस होती है तो उसी हिसाब से फिर डिप्रेशन भी आ जाता है, अवसाद भी आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने मन को भी समझना होगा। तो हम मूल्यांकन लेके चलें, यानी हमारे अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को देख करके हम समझ जाएं कि हाँ हमारे काम की है कि नहीं, और फिर हमें उस पर वर्क करना है कि नहीं। तो एक चीज़ ये हो गई, दूसरी बात उसका स्वरूप बदलना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा ना। जो चीज़ जैसी है वैसे ही हमने उसमें काट छांट के अपने नोट्स बना लिया तो वो चीज़ बेहतर नहीं है, उससे अच्छा जब विकल्प है तो उस रास्ते पर चले ना। और मोबाइल के साथ आसानी के साथ हम एक तैयार कर सकते हैं, उसकी वजह यह है कि जो हम लिखते भी हैं, मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आंसर लिख रहे हैं, तो जो हमारे मन में विचार आ रहा है वो हाथ तो उसी को लिख रहा है ना। हाथ का काम क्या है, हाथ जो संदेश मन से आ रहा है उसी को हाथ के जरिए लिखा जा रहा है, इतनी सी बात है। बस ये है कि हमारी प्रैक्टिस लिखने की हो जाती है, लेकिन विचार तो मन में ही आ रहे हैं ना। तो ऐसे में हम मोबाइल के जरिए ही जब उसको विचार को ही मोबाइल के जरिए उसमें रख दे रहे हैं तो हमारा काम भी आसान हो जा रहा है। उसमें समय, मान लिया ऐसा लगता है कि इस काम में बड़ा समय लगता है, ये काम ऐसा है कि इसमें बहुत समय 4-5 घंटा इसी में चला जा रहा है, तो इस वजह से इसको ना छोड़ें। बल्कि आज की सुविधाएं तो है ना मोबाइल के जरिए, 10 से 15 मिनट के अंदर आराम से हम उसका स्वरूप बदल करके एक आंसर के हिसाब से हम उसका जो है लिख देंगे, और फिर उसी पर प्रश्न भी तैयार करेंगे, क्योंकि प्रश्न ही का तो हमें उत्तर देना है और प्रश्न से ही हमारा मुकाबला होना है। तो अगर हम प्रश्न बनाने की क्षमता पहले से रखेंगे तो हमारे अंदर और दिलचस्पी पैदा होगी और इस पर हम और एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो ये तो हमें हैबिट में अपने ला ही रहे ना सारी चीज़ें, कि स्वरूप भी बदल रहे हैं और प्रश्न भी बना रहे हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। यही काम तो हमको जाके मेंस में करना है, तो पहले से ही जब हम किए रहेंगे तो हमारे लिए रास्ता आसान होगा। और अगर इस रास्ते पे मान लिए नहीं चलते हैं तो फिर यह चीज़ हमको हासिल भी नहीं होगी, या जो योग्यता इसके ज़रिए हमको मिलेगी वो फिर हासिल नहीं होगी हमको। फिर हम अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और फिर उसमें वो बात नहीं आ पाती है। उसमें ऐसा नहीं है कि लोगों का होता नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि जब अच्छा विकल्प और मौजूद है तो उसी रास्ते पर चला है, इसमें समय कितना लगेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब काम होने लगेगा तो इससे फिर जब हम क्रिएटिव होंगे, मानी सी बात है कि जितना ज़्यादा हम क्रिएटिव होते जाएंगे उसी हिसाब से हमें जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी तो मिलेगा, क्योंकि जो भी काम क्रिएटिव होता है वो उतने ही अनुपात में हमें संतुष्टि भी देने का काम करता है, सेटिस्फेक्शन भी हमको मिलेगा। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा वैसे वैसे हम मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो करते चले जाएंगे। तो यही बताने का मेरा मकसद था, ताकि इस तरीके से करें कि स्वरूप को जो है उसको बदलना होगा। चाहे हम कोई भी मैगजीन पढ़ें, पढ़ने के बाद हम देखें कि हाँ ये चीज़ हमको तैयार करनी है, हमारे सिविल सेवा में यूपीएससी के जरिए ये पूछा जा सकता है, घटना पूछी जा सकती है, तो फिर ये देख ले कि उसमें कौन कौन सी बातें रखी गई हैं, कहाँ से उस लेख को शुरुआत की गई है, किस तरीके से उसमें तथ्यों को रखा गया है, और फिर हमें किस तरह से उसका स्वरूप बदलना है। तो हमें फिर अपने हिसाब से उसका स्वरूप बदल करके क्रमबद्ध रूप से एक अच्छे अंदाज से उसका जो है अपने हिसाब से आंसर तैयार कर लेना है। फिर उसी पर बैठ करके सोच करके प्रश्न तैयार करने के, अगर यूपीएससी के द्वारा इसी पर प्रश्न पूछा जाएगा तो किस तरह से बनाया जा सकता है। कम से कम अभ्यास हमारा होता रहेगा तो धीरे धीरे हमारे अंदर मैच्योरिटी आएगी, तो और अच्छे अच्छे प्रश्न हम बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा फिर मामला, फिर हम कहीं से प्रश्न लें उसका आंसर दें बस। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्रिएटिव होने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में हमको जाना है तो ऐसे में क्रिएटिविटी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें तो इसी तरीके से ये मैंने सोचा था कि जो एक्सपीरियंस है उसे आपके सामने शेयर किया जाए, क्योंकि ये जो चीज़ आपको बताई जा रही है ये सब काम करना, क्योंकि मैं कंटेंट राइटर का मेरा वर्क भी रहा है, इसमें मैंने काम भी किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें जैसे स्वरूप उसका बदल देना कुछ करना, तो ये बहुत मुश्किल नहीं होता, यही इसलिए बताया जा रहा है। कोई भी चीज़ होती है तो उसका आसानी के साथ हम कर सकते हैं, तो इससे बहुत मदद मिलेगी।
तो यहीं पर मुझे अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, फिर इसी तरीके से किसी विषय पर आपके सामने जो है वो डिस्कशन किया जाएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।